बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नताशा की और मेरी बहन की, आपको पता है मेहंदी है, आयशा की मेहंदी है आज, और मेहंदी लेकर मेरा ख्याल लड़की वाले नताशा आ ही रहे हैं आयशा की मेहंदी लेने के लिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबको खुश आमदीद कहेंगे कि आज भी आप भी हमारे साथ शामिल हैं आयशा की रस्म हिना में, और आपकी दुआएं भी और आपकी उसी तरह से बेस्ट विशेस भी जो कि हम सबकी हैं कि आयशा जब रुखसत होकर अपने घर में जाए तो बहुत खुश है। लेकिन लड़के वाले पहले मेहंदी लेकर आ रहे हैं और फिर हम रस्में शुरू करेंगे। रस्म हिना हमेशा से एक बड़ा ही खूबसूरत तरीन मोमेंट होता है तमाम सेरेमनीज में, जबकि उस दिन उस लड़की के हाथ में मेहंदी लग जाती है जो आज लगेगी। बिल्कुल, और हम बहुत सारी मेहंदी लगाएंगे आयशा के हाथों पे इसहाक भाई के नाम की, और उसके साथ साथ फिर एक फेस्टिविटी होती है। वैसे तो इसका सिलसिला हमने संगीत से शुरू कर दिया है, लेकिन आज अपने जोबन पे होता है। आज हर एक बंदा खुश होता है, एक्साइटेड होता है और कलरफुल होता है। जैसे हमने आज सबने बड़े जबरदस्त कलरफुल से कपड़े पहने हुए हैं, अहमद बिलाल के और स्पेशली जो लड़की के भाई हैं वो ज्यादा आशा जो हमारी बहन है जिसको जिसकी हम आज बहुत ही धूमधाम से मेहंदी करेंगे। दो दिन हम करते आए हैं। आपको पता है फरा कि आज जो है मुकाबला बहुत जोरों पे है। किसका किससे मुकाबला मुझे तो नहीं पता, लड़की वालों का लड़के वालों पे। लेकिन लड़के वालों में से फिजा मिसिंग है अभी, फिजा आएगी तो फिर मुकाबला जो है उसमें जान आएगा। इसलिए इसलिए क्यों फिजा ही बदल जाती है। इसलिए बोल रहे हैं कि वो आएगी तो वो जरा भारी हो जाएगी। नहीं होगी, बिल्कुल भी, आज हल्की रहेगी। अच्छा, आज तलत आ गई है तो तलत क्यों लग रहा है कि आज मैं फिजा के पैर जो है वो जमने नहीं दूंगा। अच्छा चलो, हम बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ अपनी आज की रस्म हिना का आगाज कर रहे हैं, लेकिन जिसकी रस्म हिना है उसको तो लेकर आए, सारे मुकाबले उसके बाद ही जजते हैं, उसके बाद ही सजते हैं। लेकिन हम ब्रेक लेंगे पहले, और ब्रेक के बाद हम लेकर आ रहे हैं अपनी बहन को आयशा को, जिसकी आज हम रस्म हिना कर रहे हैं। तो आयशा के जो वालदेन हैं, अंकल और आंटी, आंटी आइएगा, आइए। आयशा की सास ससुर हैं इस वक्त, आ जाए इसहाक भाई के वालदेन। तो हम मेहंदी जो है वो आपकी तरफ से अभी लेकर आनी है। जी जी। तो मेहंदी आगे भी आपकी तरफ से, हमने आयशा को भी बुलवाना है। हाँ जी। तो आइए आप और अंकल आप, आज हमने आप लोगों के लिए स्पेशल ये चेयर रखी है ताकि आप लोग इस पे बैठे और आप इस सारी उस महफिल में शरीक रहे, बैठे। अच्छा माइक देना मुझे ताकि मैं अंकल आंटी से कुछ बातें जो है वो कर सकूं। अच्छा बैठे, डर लग रहा है झूले पे बैठे हुए, पहले कभी बैठे? नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा कैसा लग रहा है आपको आयशा की रस्म? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खुशी हूँ मैं, बहुत सोना लग रहा है, बहुत मेहरबानी। अच्छा इसहाक भाई चूँकि महफिल में शरीक नहीं है तो वो टेलीविजन पे देख रहे हैं क्यों? जी जी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अच्छा तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है, बहुत मेहरबानी आपकी। नहीं मेहरबानी हमारी क्या, मेहरबानी है सब लोगों की जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने सारी खूबसूरत सबकी मेहरबानी है, सानू इतनी खुशियाँ दे रहे हो, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको और भी ढेर सारी खुशियाँ दे। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। सामिया जी आज मेरे साथ हैं, और सामिया जी का मतलब ये है कि जब सामिया जी होंगी तो हम सितारों का हाल जरूर पूछेंगे। सो आज हम पूछेंगे कि इसहाक भाई का और एक तो आयशा का, एक तो इनका जो शादी है, और दूसरी जो मैं जानना चाह रही थी, अपने सारे लोगों को बताना भी चाह रही थी कि जो मौसम होते हैं, महीने होते हैं कुछ खास, बेहतरीन मौजू तरीन टाइम कौन सा है, वो कौन सा टाइम है जो शादी के लिए मौजू नहीं है, जिसमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए प्लानिंग पोजिशन के लिहाज से? प्लानिंग पोजिशन के लिहाज से आप हमेशा ही, वैसे सबसे पहले तो इन दो मुबारक हो आपको, आपकी मतलब बेटा है इनका आयशा और इसहाक की शादी की जो है, और जो सबसे अच्छी बात फरा कि आप बड़े मुबारक टाइम पे शादी कर रही हैं। अच्छा, क्योंकि इस वक्त जुपिटर की पोजिशन बहुत अच्छी जा रही है और आयशा और इसहाक, अच्छा दोनों के सितारे इक्वली गुड चल रहे हैं, तो अल्लाह का मुबारक भी करे अल्लाह इनको। सिर्फ ये होता है कि जब जुपिटर एक सितारा है, जब वो रेट्रोग्रेशन में होता है, तो मैं उस वक्त कहती हूँ कि उस वक्त शादियाँ दो एक महीने का वो टाइम होता है कि उसमें निकाह ना करें, वो हर साल दो एक महीने ढाई महीने के लिए वो रेट्रोग्रेशन में जाता है। अच्छा, ओके। तो उसकी रेट्रोग्रेशन में निकाह जैसी मुबारक चीज को अवॉइड करना चाहिए। और वो कौन सा है? वो हर साल डिफरेंट उसके टाइमिंग होते हैं, तो वो कोई भी साहिब इल्म या जिसके पास भी नॉलेज हो या जो भी फीमेरिस को पढ़ना जानता हो वो ईजिली उसको कर सकते। हाँ आम इंफॉर्मेशन के लिए मैं कहूंगी कि जिनका सितारा इस वक्त जो लियो है और जिनका सितारा एक्वेरियस है, लियो और एक्वेरियस वाले जो लोग हैं आप दोनों भी हैं, निकाह नहीं करना भी।
लियोज और एक्वेरियम के लिए थोड़ा सा मुश्किल फेज है ये, स्पेशली रिलेशनशिप में जो है. हाँ, स्कॉर्पियंस बड़े लकी जाएंगे जो इस वक्त रिलेशनशिप बनाएंगे, उनके लिए बहुत मुबारक टाइम है, उनको अच्छे पार्टनर मिलेंगे, उनके लिए एक कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी इस वक्त जो है, उनके लिए तो माशाल्लाह गुड टाइम चल रहा है शादी करने के लिए. हाँ, शादी करने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए, तो ये टाइम बड़ा मुबारक चल रहा है. अच्छा, दूसरा जो है लिब्रा अच्छे जा रहे हैं इस वक्त में. उनको अच्छा, स्कॉर्पियंस के लिए ज्यादा अच्छी खबर इसलिए कि जो लोग चाहते हैं कि उनको उनकी मर्जी का सोलमेट मिले, बड़े अरसे के बाद स्कॉर्पियंस का सितारा राइज किया है, क्योंकि स्कॉर्पियंस बेचारों से मैंने देखा है कि 32 की एज से पहले इनकी जितनी भी रिलेशनशिप्स बनती हैं खराब होती हैं. अच्छा, तो 32 की एज के बाद सॉलिड रिलेशनशिप का ये टाइम सबसे बेस्ट शुरू है जो जो भी ख्वाहिशमंद है. अच्छा, फिर इसी तरह लिब्रा का अच्छा टाइम चल रहा है. कैंसेरियंस की लक चलेगी इस साल. कैंसेरियंस, कैप्रिकॉन जिनका बुर्ज जदी जिसे उर्दू में कहते हैं, जो लोग इस वक्त में जिनको रिलेशनशिप मिले अल्लाह का नाम लेके फाइनल करें. मैं तो कहती हूँ शादी अल्लाह के हुक्म से होती है. बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है. मैं नहीं मानती हमारा कोई कमाल है जी हमने लड़का फंसा लिया या लड़के ने लड़की को फंसा लिया. ये ऊपर से डेस्टिनी होती है, अंगूठे बंधे होते हैं, तकदीर ने सिर्फ उस बंदे तक आपको लेके जाना होता है. ठीक है, तो ये जैसे खान साहब ने मुबारक वक्त में शादी की है, अल्लाह से मुबारक ही, अल्लाह उन्हें भी मुबारक, सब शादियों को मुबारक, सब शादियों को मुबारक करे. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ आपने बहुत सारे स्टार्स से मिस किया. सेजिटेरियस का क्या होगा, जेमिनाइज का क्या होगा? अब वो मैंने कहा क्योंकि जिनको जो नुमाया थे वो ये थे. अच्छा, सेजिटेरियंस अभी थोड़ा सा अवॉइड करे. जो लव हाउस उनका, क्योंकि बेचारों का जरा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा वो है, तो या बच्चों का उनको इश्यू थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो जो सेजिटेरियंस हैं ऐसा इस वक्त में अवॉइड करें. यानी 2018 में शादी करें ना बेचारी? नहीं, बेशक फाइनल कर लें, अपने बुरे टाइम से निकल गए. उनका पीछे ब्रेकिंग टाइम बड़ा चला है सेजिटेरियंस का, 2.5 साल उनके पीछे टफ रहे हैं. अब कम अज कम रिलैक्सिंग टाइम में वो लोग आ चुके हुए हैं, तो उनकी सरसफी ओवर हो चुकी हुई है. लेकिन ये कभी शादी को लॉक ऐसे ना करें. ठीक है. अच्छा, दूसरा कौन सा रह गया जी? जेमिनाइज. जो जेमिनाइज है वो माशाल्लाह अपने मुबारक वक्त में चल रहे हैं. लेकिन जेमिनाइज अगर रिलेशनशिप और शादी में जाना चाहते हैं तो नवंबर के बाद फौरन फैसला कर लें. शादी उनकी गुड लक लाएगी, उनका पार्टनर उनके लिए गुड लक लेके आएगा, तो उस वक्त जो है वो उनका उस वक्त मुबारक टाइम चल रहा है. बिल्कुल सही. और वर्गो, वर्गोस का जो है ना वो अभी मसल खामोशी है, लेकिन सितारा को बुरे फेज में नहीं है, ना रिलेशनशिप वाइज ना उसमें जो है कोई बुरे फेज में उनका सितारा नहीं है. वो ऐसे कोई क्राइसिस के अंदर उनके भी मतलब नहीं चल रहे, ना लव हाउस, ना सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी हो रही है कैंसेरियंस के लिए और स्कॉर्पियंस के लिए. ठीक है, यानी दो तो जिन, हाँ हाँ डेट बेशक रख ले, निकाह नहीं करना. ये क्या बात है यार, निकाह डेट से बहुत बेहतर है. निकाह बहुत बेहतर है. नहीं नहीं नहीं, डेट मैंने कहा शादी की डेट डिसाइड बेशक कर ले. दूसरी डेट कह रहा है? नहीं 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 चले. लेकिन मेरा ख्याल है कितनी देर है भाई, आयशा तैयार नहीं हुई क्या अभी तक? चले हम ब्रेक ले लेते हैं फिर, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात. इसमें हिना है आज आयशा की, और आयशा के ये मुंतजर है. आ गई आयशा, लेकर आए उसे जल्दी से अंदर. जी मेहंदी लेकर आ गए. कहाँ गई फिजा? ये मैं सब खड़ी, मैं इधर उधर देखी, मुझे कैसे कहाँ गई नताशा? आओ ना यार, नहीं दिख रही होती कद की वजह से. तो लड़की की बहन और लड़के की बहन, आपकी पार्टी कहाँ है आज? लड़कियों वाली, लड़कियों वाली पार्टी मेरी, जरा इधर आ जाओ सारे, किधर है मेरे पास आ जाओ भाई, मेरे मेरे लड़के वाले सब, ये मैं और मेरी पार्टी किधर है? आपकी पार्टी किधर है? मेरी पार्टी किधर गई? ये लड़की वाले सारे, ये लड़की वाली है, मेरे पार्टी बदल ली, मेरे पार्टी बदल ली, संगत ने बदल ली पार्टी. डॉक्टर साहब आप किसकी पार्टी है? लड़की. तुम मेरी पार्टी इधर आओ ना यार. अब साहब तुम किसके साथ हो? किसके साथ हो? लड़के वाले. ये लड़के वाला. आंटी अंकल आप भी आइए ना, आप ही की खाते को. लड़की वाले. आंटी अंकल आप तो आए, असल लड़की वाले हैं. हाँ असल. आप इधर आइए ना साहब. ये आज पहली दफा आयशा की वालदा ने हमें ज्वाइन किया है, है ना? आयशा की वालदा पहली दफा आई. और अंकल आंटी आप लोग नहीं आए ना, लड़के वाले. सो लड़के वाले इधर आ जाएंगे, लड़की वाले इधर आ जाएंगे. आप इस तरह आप लोग. अब हमारी पार्टीज हैं वो दोनों हो गई मुकम्मल. अब हमारी पार्टीज होगी मुकम्मल. ये हो गए हमारे लड़की वाले और ये हो गए हमारे लड़के वाले.
मेहंदी के लिए तैयार हो? बिल्कुल। मेहंदी लेकर आए हो तो तैयारी करके आए हो? ऐसी वैसी तैयारी की है? आप हमारी तैयारियां देखेगा ना आज? इधर क्या हालात है? बस जी आपकी सोच है। दो दिन से हम कुछ बोल रही है, हम करके दिखाते हैं, हम करके दिखाते हैं, हम जीत के जाते हैं। और वो लोग जो वक्त पे आते हैं, जीत इतना लेट एंट्री नहीं मारते हैं। हमेशा देर से आता है। अच्छा आप तलत नहीं कह रहे हैं कि आपको पार्टी बदलनी पड़ेगी? हाँ ये बदलिए। लड़का नहीं है, तलत कर आए। देखो लड़कों वाले की पार्टी में कोई लड़का ही नहीं है। हमारे वो है ना लड़का, क्या तलत इधर आ जाओ, तलत इधर आ जाओ। डेंजरस किधर है आज? आज तलत कोई बात नहीं, कभी कभी झुकना पड़ जाता है। अरे भाई मेरा आज शुड बी गिव लड़कों वालों को पहली अपॉर्चुनिटी। यार बनता है यार, ठीक है हमारे पास। नहीं 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 रुक जाए एक मिनट, ये लड़के वालों की तरफ बंदे ज्यादा हो गए। नहीं यार, एक दो तीन चार पाँच छः इधर सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ओके 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 ओके। हाँ करे 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 करे। आपस की बात है, अंकल आंटी को तो नहीं गिन लिया? नहीं 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 गिना वैसे। अच्छा लड़की वाले अभी से जीत गए? अच्छा हम हम इनको भाई हम लेने के लिए यार, मगर चांस दे देते, तुम लोगों को हम चांस दे रहे हैं, चांस दे देते अपने अपने हुनर दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का। चले एग्जैक्टली। तो पहली परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे हम लड़के वालों की देखेंगे, फिर हम रस्में शुरू करेंगे। टॉस कर लेते हैं किसी को, बता ठंडी है नहीं नहीं जी नहीं। जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो बता रही है कि आपकी बारी है, अब आप आ जाओ, आप हमें दे रही है इजाजत। जी जी चलो ग्रेट हो गया। सो पहले पहले लीडर ऑफ द हाउस। हाँ हम लीडर ऑफ द हाउस, लीडर और लीडर का लीडर का वहाँ से लीडर का। हाँ यार ये भी अच्छी बात है। हाँ। सबसे पहले लड़के वालों की तरफ से लड़के की बहन आएगी, यानी पिज्जा। ये सब कुछ उठाएंगे हम लड़के वालों और लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम फिजा से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बात है फिजा की। और अहमद बिलाल के जोड़े सबने पहने हुए हैं, मगर जो फिजा ने कैरी किया है उसके लिए खास तालियां। क्या बात है, घूम के दिखाओ। जब घूमती हो इतना कमाल, इसके कलर्स और उसका हर चीज जो है वो आ रही है कि मेहंदी का जो एक टच है ना, फील आ रही मेहंदी की, गेंदे के फूलों के साथ गेंदा ही लगे। पूरा फिजा ने तारीफ की थी कि आज मैंने मेहंदी के ऊपर जो है ना वो रौनके बिखेरनी है, लेकिन आपको पता नहीं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। आयशा की तरफ से, आयशा का भाई साइम, फिक्र ना करो साइम बड़ी शान से हारेगा। भाई ये तो बस बताएगा कौन हारेगा और कौन जीतेगा। आप अपनी प्रेडिक्शन आज मत, आज मत दे आप अपनी प्रेडिक्शन प्लीज। अरे वैसे तुम सब लोग मिसिंग थे जब उन्होंने प्रेडिक्शन किए थे, दोबारा से मुझे बता दे। हाँ। क्या सनसाइन है? मेरा कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन इसकी तो शादी की माशाल्लाह, अगली शादी हम इसी की कर रहे हैं अपने। जितना ये कल लड्डू खाने से घबरा रही थी, उन्होंने प्रिडिक्शन ऑलरेडी कर दी है। मेरी दोस्त हम इसी की शादी करेंगे। लेट्स सेलिब्रेट आयशा की रस्में हिना, इससे पहले की रस्में हिना। लेकिन आयशा के भाई साइम जो है इस खुशी में, अंकल आंटी आपकी इजाजत है, पहने आंटी को शुक्र है जो मुस्कुराते देखा है। सुबह तो लग रहा था कि जैसे आंटी को गुस्सा चढ़ा हुआ है कि आयशा की शादी क्यों करवा रहे हैं। गुस्सा था, गुस्सा नहीं था, लेकिन खुश हो गई है अब, दिल खुश हो गया ना। और कैसी लग रही है आयशा, जरा सामे जी आगे से ठीक है, थोड़ा सा बेटी कैसी लग रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी ना। तो आपसे चूंकि बात नहीं हुई तो कोई दुआ दे दें इसको अभी। बेटा अल्लाह ताला इन्हां नूं घर दे विच मसरूफ रखे, बेटा अल्लाह ताला इन्हां दा घर खुशी रखे, आमीन आबाद करे इन्हां नूं बेटा, बिल्कुल आबाद रखे बेटा, बिल्कुल बेटा एक खुश होंगे तो सारा दिल खुश होगा बेटा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज आयशा की अम्मी को देख के मुझे पता चला है कि आयशा अम्मा पे गई है पूरी की पूरी, बिल्कुल अम्मा जैसी है। अच्छा चले साइम, गर्ल्स आपकी अगर इजाजत हो लड़की वालों, तो क्या हम रस्में हिना जो है वो शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल शुरू करें। तो लड़के वालों मेरा ख्याल है कि रस्में हिना जो है वो आपकी तरफ से शुरू होती होती है, पहले शुरू करेंगी। आइए हम तो क्या बताते हैं, आज तो मेहंदी है, मेहंदी लगेगी। तो पहले क्या, सबसे पहले क्या होगा? गोल टिकिया सबसे पहले हाथ में, वो पान का पत्ता, पान का पत्ता ये रखे गोल टिकिया, फौरन हम उसको भरते रहेंगे जो जो आएगा इससे, उसके रस्में ना पूरी होने के बाद पहले हम उनकी वालिदा से कहेंगे मेहंदी लगाएं, ठीक है ना, और सर में तेल भी लगाएं। सर में तेल ये आप पहले लगाएंगे, लगाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, बैकग्राउंड में म्यूजिक साथ म्यूजिक लगाएं जी,
थोड़ा साथ साथ म्यूजिक चला दें बैकग्राउंड में प्लीज, थोड़ा सा म्यूजिक हम चला बल्कि फिजा अगर कोई गाना यार मेहंदी ता सजदी, एक मिनट मेहंदी ता सजदी वो वाला तो नहीं आता मुझे इसके मूवमेंट का एक चलो गाना मेरा खाला मामू बांध तो होता है मामू आए मेरे साथ गाने पे गाना फेंक रहे हैं मामू आ रहे हैं वो गाना बांध के गाना फेंक रहे हैं भाई इससे पहले कि कोई बात यहाँ पर हो क्योंकि आपकी तरफ से कोई गाना नहीं आया तो आपके लिए मैं एक बात आपके लिए यहीं पे खड़ी होगी डीजे बेस बजा बेस बेस बड़ा बेस और गाड़ी का क्या मारेगा क्या अब मैं ये दोबारा बोलूंगी आपने बोलने डीजे बेस बड़ा बेस गोली खा के मारेगा के चले एक्शन मुझे तो ये बोलना ही नहीं आएगा डीजे आपको बेस बड़ा बेस बोल दिया गोली मैं गा रही हूँ आप बोलिए बस लिप सिंग हाँ बेस बड़ा बेस और गोली खा के मारेगा के नहीं डीजे बेस बड़ा बेस और गोली खा के मारेगा के हो गया यार कितना मुश्किल है इसमें लिप सिंग करना चेक कर रहा हूँ असाइम आप करे इसी मेरे साउंड के साथ चले आपने कुछ बोला नहीं लिप सिंग है ठीक है ओके और डीजा और बेस बड़ा बेस और गोली का क्या मारेगा क्या लेकिन बहुत ही जबरदस्त आपने जो निकाला है एक्सेंट टोन जो निकाली है बड़ी जबरदस्त निकाली है मुझे लगता है फरा आप समझ गई हैं आइए क्लोज कीजिएगा अब फाइनल एक्टर द फाइनल होस्ट नहीं बोलूंगी मैं आपने लिपसिंग करनी है सर और डीजे अब बैस बड़ा बैस आपको आगे खाके मारेगा क्या मजे की लगी सारी ऑडियो गाना बांध दे फिर हम अगर मामू जी की आने अगर मामू नहीं आ रहे तो आप ये हक अदा कर मामू नहीं आ रहे तो हम रस्म अपनी शगन तो पूरे करें फिर किससे बनवाए किससे फिजा बांधेगी आप लड़के वालों की बहन लड़के की बहन जो मिलकर लड़के मामी बन जाओ मामी भी अल्लाह तुम्हें बड़ा खुश रखे सारे रिश्ते आज मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ जब मैं शादी करने लगी थी बेटा मेरे साथ भी ये गाने बजाने और ये गाने बांधने वाली रस्म हुए थे भी सही काम उस वक्त भी मेरे बच्चे बच्चे शादी से पहले कहाँ से बच्चे बेटा वो मैं तुम्हें अपने दूसरी शादी की कहानी सुनाने लग गई फिर वो आई है कि मेरे मुंह में जो बेटा अभी दांत नहीं है तो मैं हंस नहीं सकती बेटा तू तो हंस दे क्या तुमने बनाया मुझे लगता है कोई बदरू जो है ना हाँ। रूप बदल दादी दादी फुफो मामी बहन सब कुछ जो है वो इसने अच्छा जी लड़की वाले लड़के वालों की तरफ से तो हो गया धूम धड़का थोड़ा सा मैं लड़की वालों की तरफ चले हमें नताशा भी चाहिए नताशा की डिमांड आई है भाई देखो ओके सो लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद लड़की वाले जो हैं वो चूंकि हमने शगुन पूरे कर दिए हैं और मेरे ख्याल मैं इसको बिठाऊंगी इसके हाथों पे मेहंदी लगना शुरू हो ताकि कल रस्में आज की रस्में ना इसकी मुकम्मल हो जो लाइव हम इसे मेहंदी लगाएंगे आज और कल इंशाल्लाह रुखसती के लिए तैयार करेंगे लेकिन साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम आयशा की रस्में हिना ब्रेक के बाद फिर बात है क्या बात है नताशा लड़की वालों ने दिल जीत लिया है भाई क्या बात है नताशा आपने लवली सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स और उसके बाद उसके ऊपर एक डिसेंसी परफॉर्मेंस है और नताशा का कमाल है ऑफ कोर्स और ये बहन के लिए कितना जबरदस्त है क्रेडिट मेहंदी लग रही है आयशा के हाथों पे आप लोग देख सकते हैं भाई दुआ है कि सुहाग की मेहंदी जो है इसी तरह इसके हाथों पे बसे और यही रचे और इसी तरह से इसकी जिंदगी में खुशियां रहे जैसे आज ये खुश है आज प्यारी प्यारे से कपड़े पहने हुए हैं हाथों पे मेहंदी लग रही है कल इंशाल्लाह रुखसती करेंगे हम नताशा की इसकी आयशा की आयशा की रुखसती और नताशा जो है और होगी भी फरा के हाथों से मुझे लगता है मुझे लगता है ये बेड़ा उठा लिए फरा मुझे लगता है कि बस नताशा की शादी होने ये शादी होगी होने वाली है देख लीजिएगा मैं नताशा का जायचा जानती हूँ हम मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकती हूँ
इतना प्यारा इसको खामिद मिलना है, इतना दीपा इसको मिया मिलना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि जो है इसकी वो कॉम्पनसेशन है वो सारी चीज़ इससे ज़्यादा अच्छा होगा ना, और ज़्यादा अच्छा होगा ना, बस बिल्कुल सही ठीक। फिर हम जाने देंगे नताशा को, वरना हमने नताशा को जाने देंगे। अच्छा जी, देखा आपने क्या जवाब दिया है आपको, बहुत अच्छा लाजवाब दिया, हमें लाजवाब कर दिया, हम बड़ा मजा आया और वाकई बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा लेकिन हार गए, हार गए, हार गए, हार गए, नहीं 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 अभी तक, अभी तक स्कोर जो है मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा सा पकड़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस, फिर हम चांस देंगे आपको। और लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारी आप लोगों ने भी तो तैयार किया, ठीक है ना, तो आज हम आयशा को उसकी मेहंदी पे, जब तक इसके हाथों पे रस्म हिना और ये हिना सजाई लगाई जा रही है, हम इस महफिल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज लड़कियों बिल्कुल मुझे लगा मैं बात करना चाह रही थी अंकल आंटी से, लेकिन हमारे डीजे ने फौरन से म्यूजिक खोल दिया। मैं आयशा के सास ससुर के पास बैठी हुई, इतने मजे मजे के अंकल ने, क्या कह रहे हैं अंकल, बड़ा मजा आया जी, अंकल कह रहे सामने शादी सारी जिंदगी नहीं बोलती, बहुत अच्छी शादी है ना। और आंटी आप भी खुश जी? मैं बहुत खुशी हूँ, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा। चले आपकी खुशियों के लिए हमने महफिल सजाई है, नताशा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, फिजा ने इतनी तैयारी कर रहे हैं, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मतलब सिर्फ ये है कि आपके खानदानों में, दोनों खानदानों में खुशियां जो है बहुत ज्यादा। वैसे ही आयशा की अम्मा इतना ही मुश्किल मुस्कुराती हैं, जब से बैठी हुई मुश्किल से इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अच्छा तो ये आयशा के छोटे बहन भाई हैं अंकल, तो कितने माशाल्लाह से छोटे बहन भाई हैं, पांच। अच्छा आंटी आई ना बात से, बहू को तो देखिए उसके हाथों पे मेहंदी लग रही है, उसके सर पे हाथ रख के जरा कोई दुआ ही दे दें, उसको देख लें एक दफा कितनी प्यारी जो है वो मेहंदी लग रही है, सब दुनिया तो ज्यादा अल्लाह पाक बनानो पाग लागे, ठीक है, मेरी बेशाली दुआ। आमीन आमीन। तो आ जाए, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अभी मेहंदी लगेगी अंकल, आप भी आके दुआ देना चाहते हैं बहू को, तो हम रोक नहीं रहे आपको, है हमारी एक ही बात है, हम आ रहे ना बस बहुत ज्यादा, हम बड़े खुश हैं। चले जी, इनका प्यार देख के लग रहा है कि बेटा भी इतने प्यार से रखेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी एक ही बात, उन्होंने वादा किया है अंकल आंटी, आपने वादा किया ना कि आयशा आपके घर में बहुत खुश रहेगी। हाँ वैसे अल्लाह खैर ही करे, आयशा की जगह नताशा ही मुंह से निकल रहा है, नताशा में क्या करूं, नताशा में क्या करूं, पता चला अंकल आंटी नताशा को ले गए। अच्छा चलो ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आयशा की रस्म हिना, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आयशा की रस्म हिना, जिसने हम सबको खूबसूरत किया है, जिस डिजाइनर ने, उनका नाम है अहमद बिलाल, आई अहमद, और जो ज्वेलरी है वो आज सबने पहनी हुई है मरियम खालिद की जी, थैंक यू फॉर द वार्डरोब मेहंदी की, क्या कमाल ड्रेसेस हैं इन सब लोग, लड़कियां गर्ल्स प्लीज आइएगा यहाँ पे, क्या कॉम्बिनेशन हैं और क्या कलर्स हैं और क्या जबरदस्ती लुक है, सब चीज बड़ी फैंटास्टिक लग रही है, बड़ी कलर कॉम्बिनेशन रिच लग रही है अहमद, थैंक यू। सो ये मेहंदी के सारे एक्सक्लूसिव, ये सारी जो रेंज है ये मेहंदी से, मेहंदी के अलावा भी आपसे अगर लेने हो ब्राइडल, और वो एक्चुअली प्रेट नहीं करते, फॉर्मल रेडी टू वेयर ब्राइडल, हैवी ब्राइडल, मोस्टली हमारी फोर रेंजेस होते हैं, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा ये हो जाता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर जा रहा है, मेहंदी के जो फंक्शन है ज्यादा हाईलाइट होते जा रहे हैं, तो ये पूरी जो रेंज है ये सिर्फ एक्सक्लूसिव मेहंदी के लिए। और पता मुझे इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी, जब हम डिजाइनर्स के पास जाते हैं, राजा यार दोनों सबसे खूबसूरत खातें पीछे बैठी हुई हैं, लड़कियां बोला मैं कहां लड़की हूँ यार, क्या कहा करूँ की बच्ची फराल की अम्मी आई है ना, अच्छा फराल की अम्मी। अच्छा जो सबसे अच्छी बात लगी ना, मुझे हमेशा डिजाइनर्स के साथ इस चीज पे बात करनी पड़ती है यार, दुपट्टे हों साथ या स्लीव पूरे हों, हर चीज इतनी जिसे कहते हैं परफेक्ट है, कैलकुलेटेड, आप घर में हाउस होल्ड अपने इवेंट में लुक ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल, एक बड़ी बात है, ये देखा जाता है ना कि कैरी करना आसान हो जाए, हाँ। तो कुछ चीजें हैं कि दुपट्टों के बगैर भी, अगर आप नहीं दुपट्टा कैरी करना चाह रहे हैं तो उसके बगैर भी अच्छा लगे, ठीक है। दूसरा इन्होंने एक ट्रेंड जो ये रखा है ना कि कुछ शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, कुछ लॉन्ग शर्ट भी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वो फॉलो नहीं करते ट्रेंड को, वो कहते हैं हम पे लंबी सूट करती है, हाइट वेट कंसीडर करनी पड़ती है ना, कुछ लोगों को लॉन्ग अच्छी लगेंगी,
तो आपने उसको अच्छा फोकस किया है, कुछ शॉर्ट्स भी। फरा है, फरा को मैंने सजेस्ट ये किया कि लॉन्ग इनिंग ज्यादा सूट किया और ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। तो ये देखना पड़ता है कि किसको शॉर्ट लेंथ अच्छी लग रही है, किसको लॉन्ग लेंथ अच्छी लग रही है। कुछ लोगों को जो है खासतौर इनकी हाइट नॉर्मल है उनके लिए उनके लंबा पहनेंगी तो वो ज्यादा लंबी है, वो छोटी पहनेंगी तो वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, एक चीज को मैं बार बार फरमाइश करना नहीं भूल रही थी, जरा घूम के दिखाया है। जैसे कैरी करती है ना और जैसे घूमती है तो बिल्कुल उसका जो एक्चुअली व्हाट आई डू, आई डोंट टच माय ड्रेस व्हेन आई टेक अराउंड, आई ओनली जस्ट गिव अ लुक। सो वाह, सो इट्स ब्यूटीफुल एम्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मरियम, आपका भी शुक्रिया फॉर ऑल द ब्यूटीफुल ज्वेलरी वी आर वेयरिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बी पार्ट ऑफ द शो, लेकिन आप तशरीफ रखेंगे। थैंक यू। अच्छा, मैंने देखा कि तलत को बहुत जोर से डांस करने का दिल चाह रहा है। बिल्कुल हो गया। नहीं नहीं भाई, उसने पहले भी बात नहीं, मैं बताती हूँ। चलो भाई इधर आए, चलो भाई इधर आए। बजाज बजाज, आपने आपने हमारे हमें कपड़े नहीं पहने हुए, मतलब कितने अफसोस की बात है। बोलो, लाइव जा रहे हैं भाई। बजाज भाई इधर आए। अब ये बताए, अब आप बताए आपने कौन सा डिजाइनर पहना हुआ। हम क्या करें, सही बात है, हम क्या करें डिजाइनर को। अगर आपने कपड़े पहन के उधर चुप करके ऐसे ही बैठे, हम क्या करें डिजाइनर। ये मैंने अपने पैसों के लिए, हम क्यों मुफ्त में उनको। एक्चुअली लड़की को मौका दिया है, वो इतने अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे कि हमें उनको देख के अच्छा लग रहा है। एक्चुअली बजाज शुक्रिया, अपने पे मेहनत करनी बहुत ज्यादा पड़ती है। 6 बजे से मेहनत कर रही है, वसूली तो खराब पड़ेगी। हमने कपड़े पहने, हम आ गए भाई, शेरों के मुंह धुले होते हैं। अच्छा खैर, पहले ऐसे हुसैन पहना है। ये और बात है कि शेरों ने लिप ग्लॉस भी लगाया हुआ है, शेरों ने मस्कारा भी लगाया हुआ है। कसम से कहीं मेरी बात सुनी उतनी लगाई है जितनी हम सब ने। मेरी बात सुनी, देखा ना ये कैसी बात दिल को लगी, वो लग गई भाई। लिप ग्लॉस कहीं कहीं नहीं है, होए लिप ग्लॉस भी इनको मेरी लिप ग्लॉस नहीं है। हाँ। साफ करके दिखाओ। चलो हो, ये देखो। हाँ, ये देखो। ये देखो भाई, नेचुरल ब्यूटी है भाई, नेचुरल है, बेसे छोटे कुछ भी नहीं लगेगी। ज्यादा मत बोल, सब जगह फुसलाएगा कि अच्छा सही थी। इनको पता है आजकल वैसे बेस इसलिए भी लगाते हैं कि उनको पता है कि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बहुत भाई, इसका तो बेबी के बेस पे हो जाए आज गाना। अच्छा भी तो अब तो हो जाए फिजा का। लेकिन उससे पहले एक सेकंड, एहसन हुसैन क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे कपड़े यार, आई ऑलवेज वेयर हिम। और आप हुमायूं आलमगीर के बहुत अच्छे ड्रेसेस लगते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच, मगर हमने आपको देखा ही नहीं आज पूरे इवेंट। आज दिखाने वाले पीछे देख चेक कर रहा था खाना, थोड़ा सा उठाना पड़ता है। अच्छा मैं डॉक्टर साहब की एक और बात बताती हूँ, ये जा रहे थे, उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाई खास आपके आज के इवेंट के लिए। मुझे पता है, अगर आकर उधर कोने में बैठे रहे, मेरी सख्त शिकायत है। तलत आए थे, अब दिखना है हमने। मैं अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, लड़के वाले आ जाए, चाहूंगा कि फिजा से हो। डन, ठीक है, फिजा आ जाए। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, जब आप जो जो आएगा उस मेडले पे परफॉर्म करने के लिए डांस करेगा तो पॉइंट आउट कर देगा अपोजिट पार्टी के बंदे को कि उसके ख्याल में अगला बंदा कौन आए। क्या बात है।